देखो ये डेकन की पीसीबी का है, पहली बात तो डेकन में ऐसे ही आता है ना, उसका पीसीबी का है, इसमें प्रॉब्लम आया है, डेड कंडीशन में है ये। डेड का मतलब क्या है, इंडोर की पीसीबी जो है चालू नहीं है, यानी जो उसका डिस्प्ले है ना कुछ भी ये ऑन नहीं है इस टाइम। तो मतलब पावर देके दे देता हूँ, तो उसका पावर देना कहाँ देना है, एक इसका वाइट वाला है, ये मैंने पावर दे दिया इसको, एक इसका कौन सा था ब्लैक वाला, ये दोनों पावर देते हैं यहाँ से मैंने एसी का, लेकिन अगर देखें तो ये ऑन नहीं है फिलहाल, है ना, कोई बत्ती नहीं है, मैंने बटन दबा के भी देख लिया, कुछ भी इंडिकेटर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये ऑन नहीं है। तो जैसे जैसे आपको स्टेप बाय स्टेप बताया ना, वैसे वैसे चेक करेंगे। देखो पहले पहले तो सबसे पहले हम चेक करेंगे डायोड, कि भाई डायोड को एसी वोल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। इसको हमें चेक करने के लिए पीसीबी को पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा पलटी साइड, ये अपन कर लेते हैं इसको ऐसे। डायोड का जो पिन है वो उधर की साइड है, अब देखो मैं डायोड चेक करूँगा। पहले हम चेक करेंगे डायोड की इनपुट वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। ये मैंने लगाया, देखो 200 आ रहा है यहाँ वोल्टेज, तो यानी इनपुट ओके है। फिर हम क्या चेक करेंगे, डीसी के आउटपुट, हाँ ध्यान रखना। तो ये डीसी लगा दिया मैंने, डायोड की आउटपुट चेक कर लेते हैं। ये वो माइनस में आ रहा है ना, लेकिन वोल्टेज 40 वाला उल्टा आ रहा है, ऐसे लगा देंगे तो वोल्टेज क्या अपना बन जाएगा, यानी ये सही है डायोड। डायोड कहाँ जाएगा, कैपेसिटर पे जाएगा, यानी कैपेसिटर की लाइन सही है। प्राइमरी कैपेसिटर पे चेक करने के बाद फिर चेक करना आपको सेकेंडरी, सेकेंडरी को चेक करने के लिए छोड़ना, यहाँ चेक करेंगे। देखो यहाँ पे ये सेकेंडरी हो गया, यहाँ से वोल्टेज आई स्विचिंग के होते हुए यहाँ चले गई, यहाँ से वोल्टेज बाहर निकल गई, तो हम यहाँ चेक करेंगे डायोड से, ये लगा डायोड यहाँ पे, ये तो हम डायोड चेक करेंगे वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये मैंने लगा दिया डीसी पे सेट अपना, ये ब्लैक वाला वायर कहाँ लगा दिया, ग्राउंड, ये मैंने लगा दिया, देखो ये ग्राउंड हो गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ चेक करा तो यहाँ बन रही कितनी वोल्ट, 13-14 के आसपास बन रही एक डायोड पे। दूसरे पे चेक करा, यहाँ बन रही कितनी, 8। सेकेंडरी में वोल्टेज मिलने का मकसद ये है कि इसका प्राइमरी सेक्शन ओके काम कर रहा है, याद है ना इतना। तो जब यहाँ दोनों वोल्टेज मिल रहा है तो उसका मतलब ये है कि भाई प्राइमरी सेक्शन काम कर रहा है। अब 12 वोल्ट कहाँ जाती है अपनी, 2003 आईसी को जाएगा, है ना, रिले को चला जाएगा, और कहाँ जाएगा, रेगुलेटर को जाएगा, तो ये लगा हुआ रेगुलेटर। लेकिन यहाँ 12 वोल्टेज इसको जाएगी ये वाली वोल्टेज। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ से निकली कितनी वोल्ट, 8। अब ये यहाँ देखो फ्यूज लगा हुआ है छोटा सा, ये मैंने देखो फ्यूज पे चेक करा, इनपुट 8 आ रही है, अगर फ्यूज ओके होगा तो बाहर निकालेगा ना वोल्टेज, बट यहाँ कोई वोल्टेज नहीं है, ये लगा हुआ है रेगुलेटर 8805 वाला। इसकी मैं चेक करूँ भाई इनपुट कुछ भी नहीं है, तो इनपुट नहीं है तो आउटपुट भी नहीं है, यहाँ नहीं, इस पर 5 वोल्ट नहीं बन रहा, यानी मैं इसके आयर पर चेक करूँ कि भाई आयर पर 5 वोल्ट आ रहा कि नहीं आ रहा, बनेगा ही नहीं, है ना। तो ये मैंने देखो इसकी इनपुट चेक करूँ, आयर पर कुछ वोल्टेज नहीं है, तो इसका कहने वाला ये है जो 5 वोल्ट सप्लाई वो बन नहीं रही आपकी, और 5 वोल्ट बना रहा अपनी ये, अब ये कब बनाएगा जब इसको वोल्टेज मिलेगी, अब इसको वोल्टेज जो मिल रही है वो इससे मिल रही है, अब फ्यूज का क्या है ओपन हो चुका है, तो इसको हम क्या करेंगे, देखो शॉर्ट करेंगे, फिलहाल मैं अभी शॉर्ट कर दिखाता हूँ, और जैसे मैं शॉर्ट करूँगा देखना यहाँ से बत्ती जल जाएगी, ये देखना भाई इसका क्या है, जैसे मैं इसको शॉर्ट करूँगा बत्ती जल गया इसका। तो ये जो शॉर्टिंग है किसकी, ये ओपन क्या हुआ है मेरा, सिर्फ एक फ्यूज ओपन हुआ है, ये सिर्फ फ्यूज की वजह से ही नहीं आ रहा, तो मैं क्या कर दूँगा इसको चेंज, सिर्फ फ्यूज चेंज कर दूँगा तो मेरा सेट जो है चालू हो जाएगा। ये होता है देखो फ्यूज, ऐसे शोर पर चेक कर लो तुम्हारा पीसीबी चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है ना। इस पर आपको सिर्फ फ्यूज ही लगाना और कुछ नहीं करना, बाकी पीसीबी चालू हो गई, ठीक है ना। ये हिसाब से पीसीबी का, और एक बार